टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस वर्ड कहाँ से आ रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे, पर एक बात तो पक्की है कि एलसीआर सीरीज में एसी की सप्लाई है। अब एलसीआर के अंदर हमने इम्पीडेंस तो निकाल ली, नेट इम्पीडेंस इसके इक्वल होती है, एक्स एल का मतलब एल ओमेगा होता है, एक्स सी का मतलब 1/c ओमेगा होता है। पीछे से फ्रीक्वेंसी तुम्हारे हाथ में है, तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ। इमेजिन करो तुमने फ्रीक्वेंसी न्यू को बढ़ाना शुरू किया तो ओमेगा भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। इमेजिन करो जब ओमेगा बढ़ रहा है, मान लो ये एक्स एल है, ये एक्स सी है, ओमेगा बढ़ता है तो एक्स सी कम होता है, एक्स एल बढ़ता है, ओमेगा और बढ़ता है, एक्स एल बढ़ता है, एक्स सी कम होता है, एक्स एल बढ़ता है, एक्स सी कम होता है। एक ऐसी वैल्यू आती है ओमेगा की जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है। तो यही हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी ओमेगा इंक्रीज होगा, एक्स एल इंक्रीज होगा, एक्स सी डिक्रीज होगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी जब एक्स एल एक्स सी क्या हो जाएंगे बराबर। तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी पता लग जाए जब एक्स एल एक्स सी बराबर है, एक्स एल का मतलब एल ओमेगा, एक्स सी का मतलब 1/c ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको बॉक्स में डालने इंपॉर्टेंट है, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला 1/√LC। और अगर ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओमेगा इज 2π × फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आप कहेंगे इससे होगा क्या, अगर मैं एलसीआर सर्किट ले लूँ और ये फ्रीक्वेंसी रख दूँ तो मान गए एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, सही है, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो करंट होता है वो क्या होता है, ईएमएफ बाय इम्पिडेंस। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल है तो एक्स एल एक्स सी के इक्वल से इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम आ जाती है इक्वल टू आर। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो, रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर एक्स एल और एक्स सी जब बराबर होते हैं, एक्स एल और एक्स सी जब बराबर होते हैं तो जेड सिर्फ आर के इक्वल आता है, मिनिमम टू मिनिमम आर वैल्यू। तो रेजोनेंस के ऊपर जेड आर के इक्वल है, तो करंट में अगर जेड मिनिमम है आर तो करंट क्या जाएगा, मैक्सिमम। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जब रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस का मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब करंट जाएगा तो इम्पीडेंस मिनिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगा, ये भूलना नहीं है। इसका ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, रेजोनेंस के ऊपर ये बनता है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, करंट का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कितना आएगा, वी बाय जेड, नहीं वी बाय आर। सेम ग्राफ प्लॉट करने को आएगा इम्पीडेंस के साथ, इम्पीडेंस की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम होती है कम से कम, करंट जब मैक्स होता है तो इम्पीडेंस मिनिमम होती है, उल्टा ग्राफ बनता है। ये दो ग्राफ मार्क किए जा सकते हैं अगर पेपर में आएगा तो। क्लियर है यहाँ तक? अब क्यों करते हैं ये, इसको समझते हैं। रेजोनेंस वर्ड कहाँ से आ रहा है और रेजोनेंस का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है इसको समझते हैं। देखो, फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन अमंग सिस्टम दैट हैव अ टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ यही नहीं है, अगर आपको याद हो रेजोनेंस वर्ड हमने SHM और वेव्स के अंदर भी डिस्कस किया था, फोर्स्ड ऑसिलेशन और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, एक कोई स्विंग है, बच्चा झूला ले रहा है, एग्जांपल दिया था, और आपने मान लो वो इधर जा रहा है, एम्पलीट्यूड उसका 10 मान लो 1 मीटर है, आप भी फोर्स इधर ही लगा देते हैं, जब वो इधर जा रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी 2π√LG है, तो नेचुरली वो इधर जा रहा था, आपकी फोर्स भी इधर लग गई, अब वो थोड़ा और इधर चला गया, एम्पलीट्यूड लार्ज हो गया। रेजोनेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसीज का ऐसा मेल हो जाता है कि एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है, उसे रेजोनेंस बोल देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, जब ओमेगा इसके इक्वल सेट किया गया, नेचुरल है ये, वो कह रहे हैं सिस्टम की नेचुरल बिहेवियर है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। देखो देखो करंट एम्पलीट्यूड, यहाँ पे चेंज डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना हो रही है, यहाँ पर चेंज करंट हो रहा है, तो करंट देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, इसका मतलब रेजोनेंस हो रही है, आगे पीछे नहीं आ रहा, इस खास फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है,
रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जैसे डिस्प्लेसमेंट मैक्स हो गई, करंट मैक्स हो गया, ठीक। कह रहे रेजोनेंस के ऊपर रेजोनेंस के ऊपर करंट मैक्स हो गया, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्स हो गया, आई नॉट हो गया, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं इसको समझते हैं। आप गाड़ी के अंदर रेडियो सुनना चाहते हैं, मान लो आप गाने सुनना चाहते हैं 92.7 फ्रीक्वेंसी पे बस। अब रेडियो तो बहुत सारी वेव को कैच कर रहा है, काफ़ी रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, लेकिन रेडियो को कैसे पता कि 92.7 का ही गाना सुनाना है, बाकी को उड़ा देना है। कुछ तो चल रहा है सिस्टम, सीरीज LCR चल रहा है उसमें, रेडियो में सीरीज LCR लगा दिया, बटन दबा दिया 92.7। तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि इस LCR की जो रेजोनेंस है वो 92.7 पे हो जाए, तो मतलब उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेट कर दी 92.7 पे। मतलब जब वो 92.7 का करंट उसमें जाएगा तो एम्पलीट्यूड करंट का मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे बहुत हाई हो जाएगा। तुम कहोगे और सिग्नल भी तो जा रहे थे उसमें, हाँ जा रहे थे, 93.5 भी जा रहा था, 103.5 भी जा रहा था, पर क्योंकि तुमने रेजोनेंस 92.7 की ही करवाई तो तुम्हारी पीक वैल्यू 92.7 पे सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो सोचो रेडियो ने तीन टाइप के सिग्नल रिसीव किए, 92.7 का सिग्नल उसने ये बना दिया, बाकियों का ये बन ना पाया क्योंकि रेजोनेंस 92.7 की हो रही थी, उसी का करंट मैक्स होएगा। तो रेडियो को बात समझ में आ गई कि मेरे को सुनने वाले ने रेजोनेंस 92.7 पे करवाई, मैं तीन सिग्नल रेडियो स्टेशन से ले रहा हूँ, तो ये 92.7 यही होगा क्योंकि यहाँ पर करंट मैक्स हो रहा है, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा गाना सुनना स्टार्ट, ऑटोमेटिकली वो यही करता जा रहा है। तुम 93.5 कर दो तो 93.5 की पीक सबसे ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, बाकी गिर जाएंगे क्योंकि बाकी पीक आएगी नहीं क्योंकि उसकी रेजोनेंस होगी नहीं। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी तुम सेट कर रहे हो उसमें, ऑटोमेटिकली नहीं है। आपको ये कैसे हो सकता है, LCR में जब वैल्यू फिक्स है तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फिक्स ही होगी, क्यों? ओमेगा होता है 1/√LC, ओमेगा का फॉर्मूला रेजोनेंस में होता क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो एक ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी। तो रेडियो बनाने वाले क्या करते हैं, जब तुम 92.7 क्लिक करते हो, एक्चुअल में तुम वेरिएबल कैपेसिटर लगाते हो उसमें, कांस्टेंट कैपेसिटर नहीं होता वो, तो तुम उसकी कैपेसिटी चेंज कर देते हो ताकि उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 92.7 सेट हो जाए। अब देखो उसी की पीक बाहर निकलेगी, जब तुम 107.8 करोगे तो कैपेसिटेंस ऐसे एडजस्ट करेगा कि 107.8 हो जाएगा। अब क्या होगा उससे, वही सिग्नल की पीक सबसे ज़्यादा आएगी, बाकियों की नहीं आएगी। तो यही तो लिखा हुआ है इसमें कि रेडियो या टीवी सेट बनाने के लिए काम आता है, एंटीना ऑफ रेडियो असेप्ट द सिग्नल फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, सिग्नल रिसीव करता जा रहा है एंटीना, सिग्नल पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट्स एज अ सोर्स इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो, सर्किट कैन बी ड्रिवन एट मेनी फ्रीक्वेंसीज, बहुत फ्रीक्वेंसीज हैं, बट टू हेयर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन वी ट्यून द रेडियो, ट्यून करते हैं, जब हम ट्यून करते हैं तो हम कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, सच दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम नियरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड। अगर 92.7 है तो सेटिंग कैपेसिटर की चेंज करके 92.7 करके करंट को मैक्स कर देगा और रेडियो समझ जाएगा करंट मैक्स है तो इसी को सुनाना है, बाकी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, एक को एक्सेप्ट करता है बाकी रिजेक्ट है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे काम करते हैं रेडियो स्टेशंस या रेडियो कैसे काम करता है और कैसे सिलेक्ट कर पा रहा है सिग्नल को।